मैं ना आज सब्जी लेके आई हूँ। मैं आज आपको ना अपने दिन की सारी रूटीन बताती हूँ। वीलॉग समझ ले और काफ़ी सारी बातें करनी है मैंने, ये समझ लें ठीक है। मैं सब्जी क्या लेके आई हूँ मैं पहले ये तो बताती हूँ ना। एक सेकंड, गाड़ी गुजरने दे सर सामने से। अभी पीछे क्यों नहीं हो रही? अच्छा ये देखें मैं सब्जी क्या लेके आई हूँ। गोभी लेके आई हूँ, आलू लेके आई हूँ, प्याज लेके आई हूँ, मटर लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ और पता नहीं क्या कुछ लेके आई हूँ। और ये मैं लेके बताऊँ कैसे देती हूँ, मुझे नहीं पता होता। अब वो सब्ज़ी वाला कहता है कि जी आलू फॉर एग्जांपल, उसने कहना है कि 48 रुपये हैं, मुझे नहीं पता 48 कितने हैं। तो मैं साथ में आंटी का वेट करती हूँ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ आंटी ये 48 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर वो बताती 68 58 या जितने भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको खुद नहीं पता होता, उसे इंग्लिश में नहीं पता होता, फिर मैं कहती हूँ आंटी 2 1 4 या अंकल होते हैं उनको ऐसे कहती हूँ। तो दिन भर मैंने ऐसे ही काम करने होते हैं घर के, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ अकेले रहती हूँ, अंदर बाहर के सारे काम मैंने करने होते हैं। बताने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को लगता है कि मैं वेली सी इंसान हूँ, मुझे दुनिया में कोई काम नहीं है, हालांकि मुझे दुनिया में आप लोगों को ज़्यादा काम है, मेरे सर पर आप लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि आप लोगों को पता, आप लोगों को खुद काके नहीं अंदाज़ा होगा कि एक लड़की के लिए कैसा होता है अकेला सर्वाइव करना। और मैं जो आके बोलती हूँ ना, वो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि समझते हैं, बोल भी रहे होते हैं मुझे, इसका किसी ने काट दिया, इसका किसी लड़के ने काट दिया तो ये आग बगुला हुई हुई, उसने मेरी मुझे शायद मेरी खाद खा दिया तो इसलिए मैं आग बगुला हुई हूँ। तो भाई हम जैसी लड़कियों का कोई एक लड़का नहीं काटता, हम जैसी लड़कियों को ओवरऑल पूरी सोसाइटी काटने की ताड़ में बैठी रहती है, मुझे पता है ना किधर किधर बैठी रहती है। उनके लिए हम लोग एक शिकार होते हैं, बजाय कि हमें तहफ़ दें, बजाय कि हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनके लिए होता है ये लड़की के लिए इमोशनल है बेचारी, इसका कोई है नहीं है, तो ये तो आराम से यूज़ हो जाएगी। ये तो अल्लाह मियाँ होते हैं जो इज्जत दे देते हैं, जिन्होंने मेरी इज्जत रखी हुई है, वरना आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी हुई है। वैसे मैं सारा दिन की रूटीन यही होती है। वैसे मैं जो है, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में थी तो जीन्स वगैरह ही मोस्टली पहनती थी, शर्ट्स वगैरह ही पहनती थी, लेकिन ना जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं फुल मलांग बन के निकलती हूँ, ऐसी चादर बैठी होती है। मैं कहती हूँ चलो देखो, मुझे जितना मर्जी देख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि गंदी निगाह तो बजाय कि मैं रोला डालूँ है, पहले वो मुझे देखे, फिर मैं रोला डालूँ, नहीं 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 इतने गंदे लोग आए, मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, फ्लस क्यों देख रहे हैं। मैं कहती हूँ सिंपल काम करूँ, मैं चादर लपेट लूँ, ठीक है, देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, मैं चादर लपेट लेती हूँ। वैसे मैं बड़ी मॉडर्न दोस्तों, मैं जाऊँ तो मैं फुल ये यो हॉट बन के जाती हूँ, लेकिन बाहर निकलते हुए मुझे ये करना पड़ता है, ठीक है, मेरे सर्वाइवल का कह लें हिस्सा ये चादर। असल में मेरे आसपास रश बड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे बोलूँ, तो दिखाऊँ रश तो ना इतने लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे बोलूँ, साथ मेरा रिक्शे वाला बाबा है, बोलूँ कैसे मैं। अच्छा वाकई मैं बीच में भूल गई। अच्छा तो ना आप लोग मुझसे सड़े ना, ठीक है, मैं एवं नहीं आके बल करती रहती, मैं ज़िंदगी की कुछ बातें होती हैं जो तलख हकीकतें होती हैं वो फील करके मैं आके बोलती हूँ, तभी मुझे कुछ लोग प्रमोट करते हैं। आप लोगों से ज़्यादा धंधे हैं मुझे, आप लोगों से ज़्यादा काम है मुझे, और ये है कि ना सड़ें, सड़ेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे, जो मर्जी कहेंगे, मुझे कसम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरे पास्ट में स्कैंडल रहे हों तो मैं कहूँ मेरा ओए मेरी पिक्चर्स लीक हो जाएंगी, मेरा ये हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या टेंशन है भाई, मैंने पहले भी कहा था मुझे गोली मार दो, और कोई हल नहीं है। मैं आप लोगों से डर के वैसे मैं पेज बंद कर लूँगी, मैं थक जाऊँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आगे भी बड़ी जिम्मेदारी आनी है, वैसे मैं पेज बंद कर लूँगी अपनी मर्जी से, लेकिन आप लोग तैश दिलवाएंगे ना तो कसम से दूसरों को भी एडमिन बना के मुझे पेज रखना पड़ा ना, मैं रखूँगी। तो जितना मर्जी हेड कर लें, आपका हेड जाता है मेरी जूती के नीचे, और मेरा कद लंबा होगा, इससे और कुछ नहीं होगा। 6'2" के साथ अच्छी लगूंगी, लड़के कहती है 6'2" उन्हें पसंद है, मुझे मैं नहीं कह रही मुझे पसंद है, मसाल दे रही हूँ। तो आप करें, आप जो मर्जी करें, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप मुझे मजबूर करते हैं जब आप लोग इस तरह की बकवास करते हैं, मैं कहती हूँ ओ भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं अपनी शक्ल नहीं लेके, और इंशाल्लाह मैं कभी लेके भी नहीं आऊँगी, ठीक है। आप लोग लेकिन मुझे मजबूत बहुत करते हैं, तो आप लोग करें, आपको मोस्ट वेलकम मैं कहती हूँ, आप करें, खुल के करें, हेड खुल के करें, मैं खुल के लेती हूँ, मैं बैठी हुई यहाँ पर रेडी हूँ, ठीक है। पेज नहीं बंद होना, पेज आप लोगों की वजह से नहीं बंद होना, ये याद रखना है। मैंने अपने गाड़ी चलाते हुए घर से आते हुए सब कुछ, जैसे एक वी लोग होते हैं ना प्रॉपर, वैसे ड्राइव करके दिखा देना था, लेकिन बात ये मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, और मैंने बंदा मार दिया ना तो मैंने सीधा फांसी पे जाना है, और फिर मेरे हेटर्स ने बड़ा खुश होना है, और वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होनी। तो इसलिए ना मैं आपको अभी गाड़ी अपना वो रास्ता वो जो करते होते हैं हेटर्स पीछे, हेटर्स कह रही हूँ, हेटर्स लगाई हुई है मैंने पीछे, वो जो वी लॉग्स पे होता है ना, ज़रा पीछे म्यूज़िक लगाया हुआ है और गाड़ी पे जा रहे हैं, वो मैंने दिखा देना सीट पार्ट, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकती, मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, मेरी मौत हो जानी है सीधी। तो बस एंड में मैं ये कहूँगी भाई, पेज नहीं बंद होना, आप लोग जितना मर्जी चीखे मार ले भाई, पेज नहीं बंद होना। ओके, अल्लाह हाफिज़।